5.3.4 पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। प्रत्येक पोषक स्तर को मिलने या दूसरे पोषक स्तर में जाने वाली ऊर्जा को ज्ञात करना बहुत मुश्किल है, अतः हम प्रायः जीव भार व प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ही ऊर्जा के अनुमानित प्रवाह को दर्शाने का प्रयास करते हैं। आइए जीव भार के पिरामिड के आधार पर ही हर स्तर को मिलने वाली अनुमानित ऊर्जा के प्रतिशत को ज्ञात करने का प्रयास करें। सामान्यतः पौधों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके भी 10% भाग पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है, अर्थात सौर ऊर्जा का 0.1%। प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है, अर्थात ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता लगभग 10% होती है। ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग होती है और 2 से लेकर 24% तक के आंकड़े शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण होता है। ऊर्जा की कुछ मात्रा जैविक क्रियाओं को चलाने में काम आती है तो कुछ जीव के शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अर्थात लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों के स्तर पर ही होगी। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि पारिस्थितिक तंत्र कितना ही विविध क्यों न हो, उनमें कुछ बुनियादी समानताएं हैं। ऊर्जा का प्रवाह ऐसी समानता को दर्शाता है। सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? क्रियाकलाप एक में अपने अवलोकन के आधार पर आपने जो खाद्य श्रृंखला बनाई थी उसमें कितने पोषक स्तर थे? धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषक स्तर हैं? यदि धान के खेत में उत्पादकों के स्तर के प्रति हेक्टेयर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे? गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाइए। ध्यान रखें कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। क्या आपके द्वारा बनाई गई खाद्य श्रृंखला में भी इतने ही स्तर हैं? कोई भी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह का एक मार्ग दर्शाती है। खाद्य जल ऊर्जा के प्रवाह के कई मार्गों को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के पिरामिड से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, अर्थात प्रथम स्तर को ही देखें तो पौधों द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। पोषक स्तरों में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए चित्र 11 की मदद ली जा सकती है। सोचें और चर्चा करें कि क्या हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता होगा? याद कीजिए कि अध्याय 3 में आपने ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया था। चित्र 11 के अनुसार ऊर्जा के प्रवाह में अब घटकों की क्या भूमिका होती होगी, क्या आप जानते हैं? अपघटित होने वाले पदार्थों से भी खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल शुरू हो सकता है। इसके एक उदाहरण के बारे में आपने कानी मछली के आवास में जाना था। यहाँ एक खाद्य जाल का उदाहरण दिया गया है। समुद्र के तल पर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ जीवाणुओं से शुरू होने वाला एक खाद्य जाल ऐसा भी है जहाँ ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं
बल्कि समुद्र के तल का रासायनिक पदार्थ युक्त अत्यधिक गर्म पानी है। यह गर्म पानी समुद्र के तल के ज्वालामुखियों के निकास से होकर निकलते रहता है, जिससे पानी का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हमने देखा कि प्रत्येक पोषक स्तर से श्वसन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जीवों के शरीर से जो पदार्थ निकल जाते हैं उनमें भी ऊर्जा होती है, पर वह उस जीव के काम नहीं आती। इन पदार्थों का पर्यावरण में अन्य जीवों के भोजन या अन्य किसी रूप में चक्रीकरण होता रहता है। पर्यावरण के अजैविक घटकों एवं जीवों के अपशिष्ट पदार्थ एवं अवशेष में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण का पोषक चक्रों के रूप में अध्ययन किया जाता है।